फिल्मेकर आदित्य धर की उरी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, कमाई के भी और फिल्म को जो लोकप्रियता मिली थी उस लिहाज से भी। यही नहीं, उरी ने ही विकी कौशल को रातों रात सुपरस्टार्स की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया था। अब आदित्य धर की अगली फिल्म वैसी ही मूड टोन को लेकर के आर्टिकल 370 रिलीज हो रही है। जी हाँ, कश्मीर के बैकग्राउंड पर बनी ये फिल्म कुछ वैसी ही धांसू होने का दावा और वादा दोनों करती है। 23 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होगी थिएटर्स में। लीड रोल में इसमें यामी गौतम नजर आएंगी, जो NIA ऑफिसर के किरदार में नजर आ रही हैं। वहीं PM के किरदार में आपको अरुण गोविल दिखाई देंगे। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 बात करती है कश्मीर में आतंकवाद की और किस तरह जब भी इन आतंकियों या फिर इन आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है तो आर्टिकल 370 की आड़ लेकर के ये लोग बच निकलते हैं। लेकिन फिर उसी दौरान भारत सरकार बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेती है, कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला होता है और उसके बाद कैसे चीजें बदलती हैं, यही कहानी है आर्टिकल 370 की, जिसमें भरपूर एक्शन है, ड्रामा है, वहीं लोग देश प्रेम के जज्बे से भी लबरेज हों इस बात की फिल्म में पूरी कोशिश की गई है। फिलहाल ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है और एक सफल ट्रेलर का मकसद यही होता है कि लोग फिल्म देखने का बेसब्री से इंतजार करें। लिहाजा लोग 23 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब आर्टिकल 370 थिएटर में रिलीज होगी।